नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। कस्बे में घूम रहे आवारा गोवंश को पुलिस ने कान्हा पशु आश्रम भिजवाया। पुलिस द्वारा किए गए इस कार्य की चारों ओर सराहना हो रही है। नगर के कान्हा पशु आश्रम आदर्श नगर पंचायत झालू स्थल पर आवारा गोवंश को संरक्षित किया जा रहा है, जिससे उनकी रक्षा हो सके। अब देखा जाए तो गौशाला में पशुओं की संख्या भी बढ़ गई है। सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कस्बा झालू चौकी इंचार्ज जसबीर सिंह ने आवारा पशुओं को गौशाला में संरक्षित करने के लिए अभियान चलाया, जिस कारण ग्राम गोसपुर के खेतों में गोवंश घूमते दिखाई दिए। तो दरोगा ने तत्परता दिखाते हुए ग्रामीणों को मौके पर बुलाया और उनकी मदद से चार बछड़े व दो गायों को पकड़वा कर ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा कान्हा पशु आश्रम आदर्श नगर पंचायत झालू स्थल पर संरक्षित कराया। चौकी इंचार्ज की तत्परता को देखते हुए नगर व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों का कहना है कि सभी लोगों को गोवंश की रक्षा करते हुए आगे आना चाहिए। दरोगा ने आह्वान किया कि वह अपने किसी भी पशु को खुले में ना छोड़ें, उसकी सेवा करें या फिर आश्रय स्थल पर पहुंचाएं, ताकि फसलों का नुकसान से बचने के साथ साथ गोकशी की घटनाओं पर भी अंकुश लग सके। वहीं नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि नगर व आसपास ग्रामीण क्षेत्रों तथा दूरदराज के इलाकों से गोवंश को लाकर हमारे यहाँ संरक्षित कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गौशाला में अब तक 100 के लगभग गोवंश संरक्षित किए जा चुके हैं तथा प्रतिदिन झालू पशु चिकित्सा केंद्र के प्रभारी डॉक्टर पुष्प सागर द्वारा गोवंश का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है। झालू पुलिस चौकी इंचार्ज जसवीर सिंह का यह भी कहना है कि हमें वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशों के साथ साथ सरकार के आदेश प्राप्त हुए थे कि अपने सर्किल क्षेत्र में भ्रमण कर आवारा या छोड़े गए गौवंश को लाकर गौशाला में संरक्षित किया जाए। हम उसी का पालन करते हुए गौवंश को कान्हा पशु आश्रम आदर्श नगर पंचायत झालू में संरक्षित करा रहे थे, लेकिन स्थानीय गौशाला में गौवंश रखने की क्षमता नहीं बची है। अब गौवंश को दूसरी गौशाला में पहुँचाया जाएगा। झालू से रिजवान सिद्दीकी की रिपोर्ट। झालू पुलिस द्वारा जो गौशाला में गाय छोड़ी जा रही है हमारे पशु, इसके बारे में आप विस्तार से बताएं कि इनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। देखिए, हमारी गौशाला में जितने भी गौवंश संरक्षित किए गए हैं वर्तमान समय, उन सबका प्रतिदिन डॉक्टर पुष्प सागर जो यहाँ पे पशु चिकित्सक पशु डॉक्टर हैं, उनके द्वारा प्रतिदिन सारे जानवरों का स्वास्थ्य सारे गौशालों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। उनके लिए पर्याप्त हरा चारा और भूसा और इसके साथ साथ पानी की व्यवस्था उपलब्ध है हमारे यहाँ। इनकी देख रेख के लिए हमारे द्वारा 3 केयर टेकर दिन में और एक केयर टेकर रात में 24 घंटे के रूप में लगाया गया है, और इनको समय समय से जनता को मोटिवेट करके उनसे कुछ दान भी दिया जाता है। कुछ अगर हमें दान के माध्यम से गौवंश के नाम से मिल जाता है तो हम उसको भी गौशाला में ही लगा रहे हैं। इस तरह से हमारी गौशाला का संचालन किया जाता है। गौशाला की कितनी कैपेसिटी है पशुओं की? कैपेसिटी तो इस समय लगभग हमारे पास 25 के आसपास संरक्षित हैं इस समय, और बाकी वैसे तो कैपेसिटी अब क्या बताएं इसकी। लगभग अनुज कहाँ है, ऑन रिकॉर्ड कितना होगा ये मुझे नहीं पता, ऑन रिकॉर्ड कितनी कैपेसिटी है। अब तक गौशाला में कितने पशु हैं सर? लगभग 75 के आसपास हैं। आज गया था, रिकॉर्ड मैंने देखा नहीं क्योंकि रिकॉर्ड डॉक्टर साहब के पास था, तो कल की डेट में मेरे पास 71 थे, तो तीन गौवंश आ जाए हैं, ये 74 हो गए, तो 74 हैं आज की डेट में, लगभग 74 है हमारे पास।